अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करना कि तुम सारे ठीक ठाक होवोगे। टाइटल तुम देख लिया होएगा, टाइम आपां बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। ये बाबा अजीत सिंह मतलब कि बाबा जी नहीं है, एक नौजवान ने ते नौजवान नौजवानों वास्ते एक पैगाम लैके आए हैं। सो पहले तो आपां वीडियो देखने हैं, तो उस तो बाद आपां राइट करांगे। व्हाट्सएप आउंदे आ, इंस्टाग्राम आउंदे आ, वै फेसबुक आउंदे आ। फेसबुक ते जे ते मेरे पेज नूं लाइक करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए। गो भाई दया सिंह जी, तीन जत्थे गड्डी तो बाहर जा चुके ने, हुन अगला जत्था मैं लेके जावांगा। बस अरदास करन तो बाद गुरु पिता दा आशीर्वाद लेके आउणा। हेलो अजीत सिंह जी, तुसी इस युद्ध विच नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? तुहाडी कुर्बानी नाल पंथ नूं ना पूरा होण वाला काटा पवेगा। मैनूं शहीद होए सिंघां नाल वक करके ना देखो भाई दया सिंह जी, खालसा पंथ रिश्तियां दा मोहताज नहीं। मैं अपने गुरु पिता नूं चंगी तरह जानदा, ओह मैनूं जंग विच भेजण लई अपने हत्थां नाल गड़ी दा दरवाजा खोल देंगे। अजीत सिंह अपनी जित ते अड़े हुए ने, बस हुण तां गुरु साहिब ही रोक सकते ने। वड्डे साहिबजादे मतलब कि तैयार होंदे इत्थे, ते छोटे साहिबजादे उन्हां दे कोल आ रहे ने। मतलब कि छोटे साहबजादे अपना उन्होंने तैयार करन दे है कि तुसी जाओ। किरपान पाली है ना? हाँ, इसलिए मैं गुरु पिता जी दी वड्डी नहीं छोटी तलवार लेके जावांगा। ये चार साहबजादे ने इन्हां दी कोई मिसाल नहीं मिलती, ये गल हकीकत है। ये बड़े साहबजादे ने। गुरु साहब जी, असीं तुहाडे कोल एक फरियाद कीती सी, पर तुसीं हुण तक साडी गल दा कोई जवाब नहीं दिता। गुरु पिता, मैं युद्ध विच जाण लई तैयार हाँ। अजीत सिंह जी, तुसी ना मेरा अजीत है, जितया नहीं जावांगा। जितया गया अगर जीउंदा नहीं आवांगा। मैनू आशीर्वाद दियो गुरु पिता। दशमेश पिता जी ने अजीत सिंह नू जंग विच भेज के साबित कर दिता कि माता गुजरी दे लाल नू लोकां दे सिर मंगण दा ही शौक नहीं, जरूरत पवे तां कौम दी खातर ओ अपने पुत्र दा भी सिर दे सकदे ने। ते शिवा पर मोहे है, शुभ कर मनते कभू ना डरू, न डरू और सो जब जाए लड़ू, निश्चय कर अपनी जीत करू।
वार किया। अज की वीडियो गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने सिंघा नूं कहा कि मैं चमकौर की लड़ाई वास्ते मैं जाना, मतलब कि उन्होंने मैं जंग करन जाना। तो सिंघा ने मना किया कि तुसीं ना जाओ, ताड़ी सानूं अजे बड़ी ज़्यादा जरूरत है। तो गुरु साहब के वड्डे साहबजादे जिद करते हैं कि नहीं, मैं लाजमी जावांगा और मैं अपने बाप को इजाजत लेके जावांगा। मैनू यकीन है कि मेरा बाप इजाजत देगा, गुरु गोबिंद सिंह जी इजाजत देंगे। तो इस तरह ही वो मतलब कि अपना गुरु साहब के कोल जाते हैं, तो गुरु साहब को इजाजत मांगते हैं, तो गुरु साहब उन्होंने इजाजत देंगे कि ठीक है तू जा सकना। वो वापस अपने हुजरे में आते हैं तो छोटे साहबजादे उन्होंने तलवार पेश करते हैं, उनको तैयार कर रहे होंगे, खुद तैयार कर रहे होंगे। मैं कहना कि यार ऐसा जज्बा, ऐसा जिगरा किते पासे मिलता ही नहीं है, हिस्ट्री में नहीं मिलता। अच्छा, फिर गुरु साहब को पता है कि बड़िया ज़्यादा फौज है, मतलब कि वजीर खान की मतलब कि बड़ी ज़्यादा फौज है। तो मेरे जड़ा अपना बड़ा साहबजादा है, एक किस तरह जाके उधर मतलब कि एक किस तरह मुकाबला करेंगे। लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी जज्बा ऐसा उन्होंने जज्बा कि मैं कहना कि बहादुरी सी, बहादुरी की कोई मिसाल नहीं है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी जदों किले चो बाहर निकले लड़ाई करते करते, मतलब के बड़ी एक बहादुरी दे नाल बहुत ज़्यादा लाशां गिराईयां उत्थे, बड़ियां मतलब कि उन्होंने मारते मारते एंड ते आके एक पिछों वार करता वै, जड़ा मतलब के वजीर खान का जड़ा चेला वै सिपाही है जड़ा वो पिछों वार करता वै। तो गुरु साहब के वड्डे साहबजादे जड़े है बाबा अजीत सिंह जी उत्थे डिग पैंदे है। तो जिस टाइम वो देखते हैं तो ओए होए यार, बाप जिहड़ा वै गुरु गोबिंद सिंह जी तो छोटे साहबजादे वो किले तो खलो के वेखन दे होंदे है कि यार एक मैं कहना कि यार। और सब तो अच्छी गल ये है कि उन्होंने अपने सीने के सारे तीर खाते, सीने ते तीर खाते, मतलब के इस तरह दा पिछे दौड़न दी कोशिश नहीं कीती, मतलब के लड़ाई दे विच वजीर खान दे फौजी, वजीर खान दे सिपाही जिहड़े सीगे ओह नाकाम हो गए। फिर आखर ते उन्हें कहा कि इस तरह काम नहीं बनेगा, तीर दे नाल शहीद करना पएगा, तीर दे नाल मारना पएगा। तो उन्होंने एंड ते आके तीरां दे नाल अपना वड्डे साहबजादे नूं मतलब के शहीद कर दिता। तो गुरु गोबिंद सिंह जी वेखन दे है, छोटे साहबजादे वेखन दे, उन्हां दा हौसला, उन्हां दा जिगरा मैं कहना कि ऐसा कि दिलों सलाम है साडे मुसलमाना दा। छोटे साहबजादे है किन्ना गंभीर, किंज खड़ा, किन्नी बहादुरी दे नाल, जज्बे दे नाल करन दिया, किड्डी बहादुरी दे नाल करन दिया। मैं कहना कि सलूट पेश करने हैं, सलाम पेश करने हैं ऐसी बहादुरी नूं। अच्छा, ये तो एक गल हो गई है, असल गल है कि नौजवान सी बाबा अजीत सिंह जी, नौजवान ने पूरे नौजवानों नूं एक पैगाम जारी किया। मेरी एक अपनी राय है, मेरी एक मैं एक अपनी मुसलमानी दी नज़र विच वेखा, उन्होंने पूरी दुनिया दे नौजवानों नूं, अजकल दे नौजवानों नूं खास तौर पर इन्हां नूं उस पैगाम की बड़ी जरूरत है। उन्होंने एक पैगाम दिता वै कि जित जाना, हार जाना ये कोई कामयाबी नहीं है,
मतलब कि मुकाबले दे विच आए, मुकाबला करके जित जाना या हार जाना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी हक ते खलोना कामयाबी है। वजीर खान ने की समझाया है कि मैं बड़े साहबजादे छोटे साहबजादे नीहां विच चुन के ते मैं कि बड़ा बहादुर बन जावांगा। ये बहादुरी नहीं, ये बुजदली दे काम है। ये असल साढ़े को पुछो तो ये बहादुरी दे काम नहीं है, ये बुजदली दे काम है। वजीर खान ने की समझा कि मैं मतलब कि इन्हों मैं शहीद करके तो मैं कामयाब हुई हाँ? नहीं, तारीख ने हिस्टरी ने साबित की किया कामयाब किड़े हुए। जंग जित जाना या हार जाना कामयाबी नहीं है। कामयाबी हक ते खलोना कामयाबी है। असल कामयाबी यही है। ये पैगाम साढ़े नौजवान नस्ल नू है जिन्हें ये मैं कहना कि अगर असी इस पैगाम नू समझ जावांगे साढ़े अज दे करां दे विच सुकून मिल जाएगा। सानू ये चीज़ समझ नहीं पएगी कि अगर कोई अपना मियाँ बीवी है उन्होंने आपस दे विच मतलब कि मुकाबलाबाजी नहीं करनी चाहिए। बाप नू बेटे अपना मतलब कि बेटे नू बाप दे नाल मुकाबलाबाजी नहीं करनी चाहिए। हक यही है कि बाप ने अगर कुछ किया वै तो बेटे नू चाहिए वै खामोश हो जाए। बेटी नू माँ दे नाल मुकाबलाबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर माँ ने कुछ डांटिया वै, माँ ने कुछ किया वै तो बेटी नू चाहिए वै कि खामोश हो जाए। यही कामयाबी है। खामोश होना ही कामयाबी है। असल दे विच अपना वड्डे साहबजादे ने इस जंग दे जरिए, हालांकि भी देखो मेरी गल सुनो, उन्हां कोल किहड़ी चीज़ की कमी सी? कुछ खाने की कमी सी, कोई पीन की कमी सी, कोई एक चीज़ की कमी नहीं सी। लेकिन उन्होंने नौजवानों को पैगाम ये देना सीगा कि जान जाती जाए, ताड़ी कोई शह जाती जाए, लेकिन हक का साथ खलोव, हक के नाल खलोवोगे तो कामयाब होवोगे। अज हिस्टरी ने साबित की किया। अज तुसी वेखो मुगलों का कोई एक बच्चा भी दुनिया से मैं कहना कि नहीं दिखा सकते। तो छोटे साहबजादियों का मतलब कि छोटे साहबजादे वड्डे साहबजादे लखा हज़ारा लखा करोड़ों की तादाद में सिख पूरी दुनिया के फैले हुए हैं। सिख खत्म कर चले से मुगल खानदान सिख खत्म कर तुरे से, लेकिन वो खुद आप खत्म हो गए। वो आप खत्म ऐसे खत्म हुए कि अज उन्होंने महल किले एडे एडे वे किले उस तरह ही कोई मतलब कि सनाटे दे सनाटे। मैं कहना कि तुसी अज हिस्टरी ने साबित की किया। हिस्टरी ने साबित यह किया वै हक ते जेड़े खलोते सीगे कामयाबी उन्हां दी है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हां दे छोटे साहबजादियां ने दुनिया नू यही चीज़ का दर्श दिता, यही चीज़ का पैगाम दिता। जान जांदी जावे, कोई भी ताड़ा कुछ भी जाना जाते, लेकिन हक का साथ ना छड्डो। ये साड़ी एक अपनी एक राय सीगी कि उन्होंने जंग दे विच यही दस्या वै कि मुकाबलाबाजी करना अजकल मतलब कि साढ़े नौजवानों मुकाबलाबाजी बड़ी करनी होंदी है। मियाँ नू बेगम दे नाल बड़ी मतलब कि मुकाबलाबाजी करनी होंदी है। बेगम नू मियाँ दे नाल बड़ी मुकाबलाबाजी करनी होंदी है। तो बेटे नू बाप दे नाल बड़ी मुकाबलाबाजी करनी होंदी। नहीं, मुकाबलाबाजी जित हार भी देखो मुकाबलाबाजी करांगे एक बंदा जित जाएगा तो एक बंदा हार जाएगा। जित हार कामयाबी नहीं है। कामयाबी हक ते खलोना इंसानियत दी खिदमत करना कामयाबी है। तो गल मेरे ख्याल कहना काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो जिन्हिया गल्लां करते रहिए गल खत्म नहीं हो सकती। अज वड्डे साहबजादे का बर्थडे का दिन है तो उन्हां दा प्रकाश पुरब चलन दिया वै तो उन्हां दा पैगाम अज असी अपनावांगे तो असी कामयाब होवांगे। अज अगर असी इंसानियत कोलों पुछिए कि असल दे विच इस खिते नूं इस सिखां नूं नहीं, मैं कहना कि इस खिते नूं पूरे इंडिया नूं हिंदुस्तान नूं पाकिस्तान नूं हिंदुस्तान नूं इन्हां नूं बचाउण वाले ही गुरु सीगे। अगर वह मतलब कि उदों मुगलों के खिलाफ जिहाद मुगलों नूं ख़त्म ना करते तो अज असी भी मतलब कि उस तरह ही होंदे। अज असी भी मतलब कि उस तरह ही गुलामी दे विच होंदे। सानू ये चीज़ां अज नसीब ना होंदियां। तो सो इवर साड़ी एक अपनी राय सी ते भी ताड़ी की राय है थले कमेंट बॉक्स में तुसीं सानू लाजमी दसो। तो ये अज की वीडियो मिलांगे तुहानू अगली वीडियो वास्ते। ज़्यादा चाहते हैं।